सर्वर जो था यूरोप था, 26 लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया। सोलो में कमी आती है, ज़्यादातर मुझे स्क्वाड के कह रहे थे, सोलो वाले जो थे वो सिर्फ 30 की रेंज में थे, 25-30 की रेंज में। इनकी साइड जो है वो है लकवाई से गुजरती हुई हाथी पर ख़त्म हो रही है। बूट कैंप तो हमेशा आते ही, अभी ऐसे स्लॉट वाला का प्लेन आया है, उनको उनको चुका है, टीम से टीम को बंडल कर चुका है। यहाँ पर रजोर शारिक शायद ये जा रहे हैं क्वेरी पाइनान वाली साइड पर, टीम 100 वाला बंदर यहाँ बोल कर चुका है। देखते हैं बूट कैंप कौन उतरता है, जो मेन अपनी जगह फौजी साहिब बूट कैंप। और ये फाइट हो चुके हैं यहाँ पर, टीम नंबर 22 का बंदा शायद टोटिंग मिस्ट में यहाँ पर एक किल निकालते हुए। चलते हैं बूट कैंप वाली मेन बिल्डिंग में, वहाँ पर लोग ऐसे स्लॉट वाला जो है वो बूट कैंप मेन बिल्डिंग में। इनके राइट से पे यहाँ पर टीम नंबर 20 के साथ मिस्टर बीन भी यहीं पर ही हैं। वो ये कहाँ पर मर गई भाई, अरे पैराडाइज में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। 14 की मिस्टर को बूट कैंप में पड़ गई है भाई। और मैडा टॉय ने भी यहाँ पर खत्म कर दिया है एक बंदा, आईएसआई अदील जो है यहाँ पर थोड़ा सा खूब आ चुके हैं। देखना ये है कि क्या मिस्टर बीन को पता है यहाँ पर अदील भी यहाँ पर सामने कोई ना कोई तो पता है, देख लेते हैं। और मिस्टर बिन ओपन में थोड़ा सा आ चुके थे, ये दोनों टीपी ले रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा राइट साइड मिस्टर बिन, और यहाँ पर खत्म हो जाएंगे आईएसआई अदील। खत्म हो चुके हैं मिस्टर बिन को काफी काम किया करके ये दिल का पीछा मारा था, लेकिन फड़ाज इनके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। टीम नंबर 20 के मैन यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, क्या इनको टच करते हैं, टच कर लिया होगा, लेकिन अंदर स्नेक बने हैं, जैसे ही इन्होंने घुसने उन्होंने यहाँ पर अल्लाह बोल देना है। और यहाँ पर ओनली किलर आते हुए और ख़त्म कर दिया है यहाँ पर फैजी को, ख़त्म कर दिया फैजी। और यहाँ पर टीम में 5 का मूस्टर जो है उसके पास एक ही ला चुका है, वो भी यहाँ पर क्लोज कर रहा है। ओनली किलर को क्या पता है कि यहाँ पर पीछे फाइट लेने के लिए। और टीम नंबर 23 का जो बंदा है ओनली किलर यहाँ पर छोटे शेप में, मिस्टर बीन को शायद नहीं पता कि वो यहाँ पर भी अब स्टार्ट पा गए हैं, अब ये होल्ड अप करके बैठ गए हैं। एंड ओनली किलर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, तो मिस्टर बीन काफ़ी अच्छा खेड़े हैं, 2 किल इनके पास आ चुके हैं। टीम नंबर 23 वर्सेस टीम नंबर 5 बूट कैंप में बस रह चुके हैं दोनों। अब देखते ये हैं कि मिस्टर बीन को पता है मेन बिल्डिंग में एक और बंदा होल्ड अप करके बैठा है अभी तक, चल लेते हैं देखते हैं यहाँ पर। और आईएसआई मुजीब के कॉन्टेंट क्रिएट बहुत ही अच्छे तरीके से वो सिर्फ ड्रॉइंग के थोड़ा बहुत ही पीछे है। एंड टीम नंबर 3 का बंदा इनके पास आ चुका है, टीम नंबर 3 का बंदा इनके पास आ चुका है, ठीक है बोला भाई। आई एस ए ख्वाजा यहाँ पर आ चुके हैं एंड वापिस चले गए हैं यार, ये दोनों एक ही लेन के बंदे हैं यार, आई सी ख्वाजा एंड आई एस आई मुजीब जो के हैं शायद, मुझे लगता है सब कार्ड है, कोई ये टीम अप कार्ड है आपको नहीं यार 100% शो है मैं वैसे ही बता दूँ। एंड टीम नंबर वो जो है टॉक्सिक ब्रियोन, और यार रेहान कहाँ पर लड़ा भाई, ये M24 का बार बार रेहान दे जा रहे हैं यहाँ पर। टीम नंबर 10 भी इनके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, और ऐसा स्लॉटला को यहाँ पर डेल्टा फॉर्म ने मार दिया है, जो कि
ओके अच्छा खेल रहे हैं। आए से मुजीब यहाँ पर गिरते हुए ऊपर से चलते हैं टीम नंबर 12 के बाद उसकी टीम पे यहाँ पर वो गिर गए हैं यहाँ पर जो आए से मुजीब के ये किलो चलते हैं टीम नंबर 1 के बाद यहाँ पर फाइट दो किल पायलट रिहान अभी तक ले चुके हैं एंड आगे फाइट हो चुके हैं यहाँ पर डेल्टा की एंड टीम नंबर 5 का जो बंदा है यहाँ पर मिस्टर बीन दोनों टीममेट तगड़ी हैं भाई दोनों के पास दो दो किले हैं पीछे से पायलट रिहान भी M24 के शॉट्स दे रहे हैं और मिस्टर बीन थोड़ा सा मुश्किल पड़ चुके हैं थोड़ा सा मारा है इनको बैकअप लेंगे शायद डेल्टा और यहाँ पर और मिस्टर बीन को कट दिया है खत्म यहाँ पर दो शारिक को भी कट दिया यहाँ पर दो शारिक ने मार दिया है यहाँ पर अवान को मार दिया है यहाँ पर भी एंट्री मार चुके हैं अपनी M24 है टीम नंबर 10 के बंदों को यहाँ पर शायद सपोर्ट किया हुआ है इन्होंने एंड M24 के सामने तो खत्म है ये टीम नंबर 10 के बंदे टीम नंबर 10 को देख रहे हैं ये मौके का फायदा उठा के M24 का पार्ट से देखेंगे देखना ये है कि टीम नंबर 10 के बंदे को पता है यहाँ पर एंड कार 98 वर्सेस M24 पायलट रेहान वर्सेस फौजी साहब और भाई साहब तगड़ा शूट पायलट रेहान तगड़ा शूट M24 का पायलट रेहान ने शूट दे दिया एक बार फिर अपने लिए 3 की ले चुके हैं ये विकेट एंड 13 टीम के बंदे को भी ये जेट कर चुके हैं यहाँ पर डेल्टा और पायलट रेहान यहाँ पर आए एक दूसरे पर शूट दे रहे हैं M24 का पायलट रेहान ने थोड़ा सा दिया है इनको लेकिन इतने शॉट नहीं लगे दोबारा से देते हैं और दोनों की पावर डेजिस ही कम हुई है M416 का इन्होंने स्प्रे दिया है उन्होंने उनको एंड पायलट रेहान ने M24 का उनको हैंड दिया लेवल 3 था टूटा नहीं इनके पीछे ही ना यहाँ पर वो अंदर डेल्टा है अभी तक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वो अभी पीछे थे थोड़ा लेफ्ट और टीम में 15 जो रिजर्व शारिक हैं वो इन और पायलट रिहान ओपन में आ चुके हैं यहाँ से और खतरा हो सकता है पायलट भाई को एंड लूट कर रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर रिजोर्ट के बाद चलते हैं क्या देखा हुआ है रिजोर्ट ने इनको बट 3x देते हैं लेकिन मौके का फायदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि उनको शायद पता है यहाँ पर पायलट रिहान जो M24 के साथ आए हुए हैं चलते हैं रिहान के पास उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि पीछे से सपड़े आ गया तो इनकी पावर चली कम यहाँ पर सामने डेल्टा है लोकेशन चेंज किया बहुत प्यारी लोकेशन लेफ्ट साइड पे आगे हम प्लान करते हैं डेल्टा फड़ान जो है थोड़ा सा ओपन में आ चुके हैं डेल्टा हमाद भी वहीं पर की है देखना ये है कि क्या तीनों को पता है यहाँ पर ये लोग और यहाँ पर ये है डेल्टा और KGF मिराज ने यहाँ पर ड्रॉप पे फाइट ले ली है यहाँ पर ड्रॉप पे KGF मिराज ने यहाँ पर एक टीम के लिए किल ले चुके हैं अपना एक ले लिए हैं इन्होंने एंड 14 के बाद बड़े चलते हैं हम डेल्टा हमार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी तक और यहाँ पर फाइट हो चुकी है पायलट रहे हाँ डेल्टा पर आने खत्म हो चुके हैं भाई पायलट रहे हाँ जो थे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे फोर किल हैं इनके पास तो डेल्टा फरान के पास टीम नंबर 15 16 अभी तक पीछे ही हैं वो और डेल्टा हमाद के ऊपर यहाँ पर ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन और पीछे से दे दिया है 3x के साथ रजो शारिक ने भी मुश्किल में पड़ गए हैं ये हमाद के हाउस में घुस चुके हैं हमाद जो है यहाँ पर खड़े हैं स्टिल मौके का फायदा अरे स्टेप दे दिया और देखते हैं या फाइट में कामयाब हो पाएंगे इस बार डेल्टा पड़ा और टूटते हो यहाँ पर एंड दोनों एक ही लाइन के बंदे थे फड़ान ने इनको खत्म कर दिया फड़ान के पास 5 किल आ चुके हैं एंड फड़ान को देख लेते हैं नाइस 5 किल ले लिए हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं 16 जो है वो अभी तक वहीं बड़े ही है रिजोर्ट शारिक यहाँ पर स्नेक बने हुए हैं एक लाइन के पास भी है 3x M416 के साथ एंड बैटल है साथ
चलते हैं यहाँ पर टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 12 फिर से एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। टीम नंबर 12 शायद ऑफ पड़ा है, ये तो सिर्फ ग्रिड नहीं नहीं ऑफ नहीं पड़ा हुआ, खवाजा इनके नीचे ही है। टॉसिक जो हैं उनको पता है जोन मेरे पास ही है, इसलिए अभी फाइट लेने से अच्छा यही है कि जोन में बैठे रहे। चलते हैं टीम नंबर 3 के ख्वाजा के पास, ख्वाजा अभी तक लेटे हुए हैं यहाँ पर। चलते हैं दोबारा 16 vs 13 यहाँ पर। डंडा खुड़ान एंड जो हेड ऑफ जोन साड़ी जोन देख लेते हैं एक बार, जोन जो है वो बन चुका है थोड़ा सा है, कैंप अल्फन भी है। टीम नंबर 25 जोन में आ रही है, उसको देख लेते हैं पानी के थ्रू आ रही है। KGF मिराज M249 है, इन्होंने ड्रॉप लूटे हुए लेवल 3 का फुल गेट एंड यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया यार। 13 ने दोबारा एक बंदा ले लिया यहाँ पर, टीम नंबर 13 ने डेल्टा फड़ान ने यहाँ पर नजोर शाड़ी जो पीछे से घंटे से लेटे हुए उनको भी खत्म कर लिया है। काफी चकेड़े हैं एंड यहाँ पर कौन मर गया भाई, टीम नंबर 100 वर्सेस यहाँ पर टीम नंबर 9 हुआ था, टीम नंबर 100 ने यहाँ पर एसपी ने शही ने 2 के ले लिए हैं। एक बार फिर से जोन इनसे दूर बहुत दूर बन चुका है, देखना ये है कि क्या ये जोन में जा सकते हैं। एंड टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 3 थोड़ा होल्ड होल्ड हो चुकी, टीम नंबर 3 ऊपर आते हुए एंड आई से ख्वाजा को शायद पता चल चुका है यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर कोई टीम बैठी हुई है कैंप गाड़ी। ऐसे ख्वाजा पीछे से ऊपर आते हुए कान एन टी एट है इनके पास भी 6S के साथ एंड एम4 से शीन। देख लेते हैं टीम नंबर 13 के दोबारा एक बार, टीम के बंदे को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, पानी से जाएंगे। लेकिन टीम नंबर 25 का बंदा भी इनके पास ही आ गया, जोन में जाना है टीम नंबर 25 को, बंदा पहले से जोन में। देख लेते हैं टीम नंबर 25 को बंदे तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, वो तो जोन में जा रहे हैं अभी जोन। एक किल है टीम नंबर 25 के लिए मिराज के पास, उनके फोन ही है 3S के साथ। एसपी जो है यहाँ पर नशे 2 किल के साथ जोन में आ रहे हैं अभी। डेल्टा फ्रान से शायद इन टीम की अभी फाइट हो सकती है, डेल्टा फ्रान जो है बहुत फाइट कर रहे हैं, 6 किल्स कर लिए हैं इन्होंने अभी तक। फिर से स्नेक बन चुके हैं एंड देखते हैं 25 वर्सेस यहाँ पर हो सकता है 12 इनके सामने ही है, यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। चलते हैं दोबारा 25 वाले बंदे के पास जो है, फिर से चलते हैं यहाँ पर टीम नंबर 13 वर्सेस टीम नंबर 100 देखते हैं किस तरह यहाँ पर एसपी शही जो है इनके बिल्कुल दिखते हैं, टॉपिक ड्रॉइंग जो है इनके बिल्कुल सामने है। लेफ्ट साइड पे इनके ऐसे ख्वाजा भी हैं थोड़ा सा दूर निकलते वो भी, ये तो वैसे मस्तियाँ कर रहे हैं। अरे टीम नंबर 100 के बंदे को शायद पता चल चुका है कि यहाँ से फाइट की वही सही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो है। ये गलती कर दी टीम नंबर 13 के बंदे ने, बहुत ही गलती की है कि वैसे ही मजाक में फाइट करके अपनी लोकेशन दे दी है पीछे। अब देखना यह है कि कैंपर वर्सेस कैंपर जो यहाँ पर हो चुका है, टीम नंबर 13 का जो बंदा है यहाँ पर स्नेक है ग्रेनेड एंड उसको शायद वॉइस आ चुकी है इसकी, ग्रेनेड कर रहे हैं यहाँ पर एंड थोड़ा दूर है ग्रेनेड, ये है एसपी ने शही एंड यहाँ पर है डेल्टा फलान के साथ 6 किल्स के साथ टीम 100 वर्सेस टीम 13। टॉसिक ड्रॉइंग भी क्लोज कर रहे हैं, 25 का बंदा भाई कब इनके पास आ गए, काफी क्लोज भी गया ये ऊपर है 25 के KGF मिराज, जोन में आना था जी जी उनको जोन में आना था एंड ऐसे ही ख्वाजा के बाद चलते हैं यहाँ पर
स्नेक बने हुए हैं, स्नेक का मैप है तो स्नेक कौन ना बने भाई यहाँ पर। चलते हैं दोबारा यहीं पर देखो पर मिल सकती है। एक बार चलते हैं आइसमिन शेही के पास, शायद वो थोड़ा सा जोन से बाहर हैं। और ये फरान के लिए थोड़ी ना गुड लक है कि यहाँ पर जोन नहीं है, इन्होंने जाना है जोन में। पढ़ सकती है डेल्टा फरहान से इनको, और देख लिया है डेल्टा फरहान के पास चलते हैं हम। डेल्टा फरहान यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए हैं, इनको जोन में आने का मौका दे दिया इन्होंने। और ग्रेनेड किया है उनके बिल्कुल पाँव में, ग्रेनेड से बच चुके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लोड हुए हैं। और पड़ गया है यहाँ पर एस पी नशई को, यहाँ पर सेवन के ले चुके हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लूट का फैसला किया था लेकिन जोन में भी तो जाना है। टीम नंबर 12 वर्सेस यहाँ पर हो सकता है टीम नंबर 3 के जो ख्वाजा हैं। ओ आए ऊपर से पड़ गए हैं इनको मिराज, केजीएफ मिराज जो हैं वो ऊपर से इनको थोड़ा छोड़ देते हुए बैडल से M249 इनके पास। अब इन्होंने जाना है जोन में, अब जोन में कैसे जाना है ये तो मुश्किल इनके लिए है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई ऊंचाई पे है इनके नॉक भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। अब आई से ख्वाजा इन पे शॉट लेते हैं कि नहीं, देखना ये है इनके लेफ्ट साइड पे टॉसिक ड्रोइन भी बैठे हुए हैं, और टॉसिक ड्रोइन जो कि मैंने भी बात की। अब के जी एफ मिराज जो है ना वो थोड़ा मुश्किल में पड़ चुके हैं कि उन्होंने जोन में पहले आने से पहले ना बहुत प्यारा भाई M249 3X के साथ बहुत ही प्यारी मारी यार, कानिन की वर्सेस यहाँ पर M249 हुआ था अभी एंड ले चुके हैं के जी एफ मिराज दो प्लीज। यहाँ पर तीन टीमें लाइव हैं एंड डिस्टेंस देख लेते हैं इनके बीच में कितना है। टीम नंबर 12 जो है 13 जो है वो राइट साइड पे है, टीम नंबर 12 जो बिल्कुल सामने है एंड 25 जो है 12 यहाँ पर थोड़ी सी निचोड़ी साइड पे है। और यहाँ पर के जी एफ मिराज को भी डेल्टा फलान ने कर दिया है ख़त्म, काफ़ी ओपन में थे के जी एफ मिराज। फरहान के पास चलते हैं हम, फरहान के पास चलते हैं देख लेते हैं फरहान अब 1v1 कैसे करेंगे। यहाँ पर टॉसिक ड्रोन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्नेक काफ़ी सब स्नेक मिली हुई। अब फरहान के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, कपड़े वपड़े उतार दिए इन्होंने, स्नेक बन गए हैं, एक किल है टॉसिक। अरे फरहान देख चुके हैं और देख लिया है शायद, यस देख लिया है ख़त्म, टॉसिक ड्रोन ख़त्म हो चुकी है 7 किल के साथ, 9 किल के साथ जी जी 9 किल के साथ उन्होंने गेम जीत ली है। तेरा बाप आया।